सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और हम लोग एक और वीडियो में आ चुके हैं जहाँ पर कि आज मैं तुम लोगों को कुछ यूनिक एनिमेज बताने वाला हूँ जो कि मैंने लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन में देखे थे, क्योंकि तुम्हें जरूर से इंटरेस्टिंग लगेंगे। और ज़्यादातर ये न्यू एनिमे वॉचर्स के लिए होंगे, क्योंकि मुझे लगता है आधे से ज़्यादा बंदों ने तो तुमने देख रखे होंगे जो कि ज़्यादा एनिमेज देखते हो। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग होती है हमारी द प्रॉमिस नेवरलैंड से। और देखो मैं ना थोड़ा तुम्हें एनिमेज के बारे में बता देता हूँ बिना स्पॉइल किए। तो जो द प्रॉमिस नेवरलैंड है, एक ऐसे एनिमे जिसमें कि जो बच्चे होते हैं ये एक लाइक अनाथ आश्रम में रहते हैं, बट तुम्हें ये पता चलेगा कि उन बच्चों को किस लिए रखते हैं उसमें, वो कोई और रीज़न है, वो नॉर्मल एनिमे नहीं है। वो बहुत ही लाइक एक तरीके का हॉरर टाइप का भी है, और इसके अंदर एक तुम्हें फीलिंग आएगी अटैक ऑन टाइटन जैसी कुछ कुछ जगह पर, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं उन्हें एक तरफ फूड की तरह उन्हें बड़ा किया जाता है, और जो वहाँ के डीमंस होते हैं उन्हें खिलाया जाता है। तो वो बच्चे कैसे निकलते हैं वहाँ से और क्या क्या होता है तुम्हें देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट था, बट इसके सीजन 2 में उतना मज़ा नहीं आया, बट सीजन 1 बहुत अच्छा था इसका। तो अगर हमने दूसरे एनिमे की बात करें, दे है ल्यूकिज्म। तो ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट था, लाइक ऐसे नहीं कि इसमें कोई डेमन ह्यूमन है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, शायद से तुम्हें देखा भी हो, ल्यूकिज्म एक ऐसा एनिमे था जिसमें क्या होता है कि एक बंदा होता है जिसके लुक्स अच्छे नहीं होते, वो किसी चीज़ में अच्छा नहीं होता, मतलब कि ये समझो कि वो बिल्कुल बंदा हर चीज़ में बेकार है बस। लेकिन उसको ऐसा होता है कि एक बार वो जैसे न्यू रूम लेता है दूसरी हायर स्टडीज़ के लिए, और जैसे कि बुली होता है वो फर्स्ट अपने कॉलेज में, तो जब दूसरे कॉलेज में जाता है रात को जैसे सोकर उठता है तो वो क्या देखता है कि वो एक न्यू ह्यूमन बन चुका है, बट वो देखता है उसकी जो पुरानी जो उसकी सेल्फ थी, मतलब पुरानी जो उसकी बॉडी थी वो वहीं पर सो रही थी। तो ऐसा था कि वो स्विच कर सकता था कि एक बंदा अगर सो जाएगा दूसरा जाएगा दो बॉडीज़ के बीच में, तो दूसरी बॉडी में वो बहुत ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और हर चीज़ में अच्छा बन जाता है जो उसकी सेकंड बॉडी थी। वो तो अपनी न्यू बॉडी है उसे यूज़ करता है और कहाँ का यूज़ करता है, तो मैं बहुत ही मज़ा आएगा ये देखने में। और इससे कम एपिसोड्स भी थे, मे बी अभी तक इसके और एपिसोड, शायद इसके एपिसोड्स का वेट कर रहे थे बंदे, पता नहीं क्या हुआ इसके एपिसोड्स को, मे बी आगे हों अभी तक। मैंने अभी तक जितने लास्ट के साथ इसके 7-8 एपिसोड्स आए थे वो देखे थे, वहाँ तक बहुत ही अच्छा था। और अगर हम अपने नेक्स्ट एनिमे की बात करें, तो ये एनिमे है हमारा वेलकम टू द डीमन स्कूल इरुमा। तो इसमें ऐसा होता है कि एक लड़की के माँ बाप से एक डीमन को भेज देते हैं, वो ना ह्यूमन से और अपने बेटे को भेज रहे से डीमन को, और वो डीमन जो होता है वो डीमनिंग जो होता है वो उसे रखता है और अपना ग्रैंड सन बनाकर रखता है, उसे एक डीमन स्कूल में भेजता है सिखाने के लिए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि डीमन्स ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन्स को मार कर खाते हैं, और मतलब ह्यूमन्स बहुत बुरे लगते हैं डीमन्स को, बट वो कैसे सर्वाइव करता है। बहुत ही ज़्यादा फनी और इंटरेस्टिंग एनिमे था ये, तुम्हें देखने में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें थी लाइक पावर्स, सुपर पावर्स और बहुत सारे फ्रेंड्स, मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एनिमे है। और वैसे हिंदी डब में नहीं मिलेगा तुम्हें, बाकी तो तुम्हें लुकिज्म हिंदी डब में मिल जाएगा, और उससे पहले जो था वो भी तुम्हें हिंदी डब में मिल जाएगा। ये तीनों एनिमे काफ़ी यूनिक और अलग कॉन्सेप्ट के साथ आए थे, इसी वजह से मैंने इन पर वीडियो बनाई, क्योंकि मैंने इनको देख लिया था बट मैंने इन पर वीडियो नहीं बनाई थी। एक एक कर वीडियो नहीं बना सकता और मैं कि एक एक क्या अलग से रिव्यू दूँ, क्योंकि ये इस टाइप के एनिमेज थे कि जब ही आए थे उस टाइम पर मैं ये कर सकता था। और आज वीडियो को मेरे पर एंड कर रहे हैं, आई नो शॉर्ट वीडियोज़ हैं बट एनिमे रिकमेंडेशन किसी टाइप की होती है, काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ मैं एक्टिव रहने की, समझ रहा हूँ, किसी वैसे लाइक जरूर से कर देना। हम लोगों को सपोर्ट चाहिए और चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करके जाना, और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।